एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और बढ़ते आगे, अब बात करते हैं उस खतरे की जिसने एक बार फिर से देश को डरा दिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश में इंग्लैंड से आए अब तक 8 यात्रियों में कोविड की पुष्टि हो चुकी है। इसी मामले पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। ट्रेन में कोविड का नया स्ट्रेन मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में भी खास एहतियात और सतर्कता बरती जा रही है। लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहा है। हमारे साथ में इस समय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से कोविड का नया स्ट्रेन मिला है उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या स्थिति है, कितने लोग अब तक ट्रेस हुए हैं जो ब्रिटेन से इस ड्यूरेशन में यहाँ? अभी हमने जो सूची हमको केंद्र सरकार के द्वारा अपलोड हुए थे विदेश से आने वाली की संख्या 28 नवंबर से लेकर अभी तक का, उनका हमने ट्रैकिंग कर लिया, सर्वेलेंस करा लिया और उनका टेस्ट भी ले लिया। उनमें से 8 लोग का पॉजिटिव निकला है एज कोविड-19 ओनली। तो कोविड-19 का पॉजिटिव निकला, उसमें से हमने सैंपल्स कुछ जैसे हमको प्रोटोकॉल में बताया गया है हमने भेज दिया दिल्ली के लैब में जो ICMR से संबंधित है। तो अगर उसमें कोरोना का कोई नया स्ट्रेन निकलेगा तो वो लैब हमको बताएगी। फिलहाल हमारे यहाँ एज नॉर्मल कोविड-19 के पेशेंट निकले हैं। सर, कुछ लोग ऐसे भी हैं 2-3 लखनऊ में भी ऐसे सामने आ रहे हैं जिनसे या तो फ़ोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा है या फिर उनके घर पर गए तो ताला लगा मिला, तो अब ऐसे लोगों को ट्रेस करने के लिए क्या पुलिस प्रशासन की मदद? हाँ, ले रहे हैं, हम लोग ले भी रहे हैं। सबके मोबाइल नंबर हैं तो मोबाइल नंबर सबका ट्रैक किया जा रहा है और जहाँ तक हो पाएगा उन सबको पकड़ा जाएगा। जहाँ भी होंगे वो आगे पीछे कहीं ना कहीं उनका डिटेल निकल ही आएगा, निकलने के बाद उनको हम ट्रेस कर लेंगे। सर, अपनी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप पूरे स्वास्थ्य विभाग के साथ कर रहे हैं उसमें किस तरह के खास निर्देश आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं और खास तौर से जो ब्रिटेन का ये स्ट्रेन है इसको लेकर क्या तैयारी? नहीं, मेनली तो हमारा जो वैक्सीनेशन से संबंधित लॉजिस्टिक्स है उनका हमको एक समीक्षा करना है। सभी जनपदों में कोल्ड चेन हमारा स्थापित हो गया, सभी में CCTV लग गए, हमारे वैक्सीनेटर्स का ट्रेनिंग हो गया, इस लेवल का हम लोग सभी जनपदों से करने जा रहे हैं और उसी में जो रिपोर्ट्स अभी और आएंगे तो उसका अलग से हम करेंगे। अगर कोविड का कोई नया स्ट्रेन भारत में आ गया है तो उसको फिर अलग से करेंगे। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।